नमस्कार दोस्तों, आज झींगा मछली है तो अच्छी तरह से हम झींगा मछली को धोकर बना लेते हैं। तो इसी तरह हम तूरा को तो तोड़ लेते हैं, लकड़ी से टूट जाता है तो इसी तरह हम तोड़ते हैं। देखिए तूरा निकलता है, देखिए इसी तरह तूरा निकलेगा। दोस्तों इसी तरह साफ करके हम कर धो लेते हैं मछली को, झींगा मछली है, अच्छी तरह से हम साफ कर लेते हैं। दोस्तों इसी तरह हम पानी से साफ कर लेते हैं अच्छी तरह से। दोस्तों अच्छी तरह से धो लिए हैं झींगा मछली के, तो हम चूल्हा के नजदीक चलते हैं। चावल हमारा सीझ रहा है, ताले हम झींगा के लिए हम मसाला ले आते हैं। दोस्तों झींगा मछली के लिए हम मसाला ले लिए हैं, लाल मिर्ची है, कुटा हुआ धनिया है, हल्दी पाउडर है, हल्का बेसन हम ले लिए हैं, पीला सरसों ले लिए हैं तो इसको सिल्ला पर पीस लेंगे, लहसुन है, अदरक है, टमाटर है, तो हम सबसे पहले लहसुन आई तो पीला सरसों पीस लेते हैं। सबसे पहले पत्थर को धो लेते हैं अच्छी तरह से। दोस्तों हम लहसुन पहले पीस लेते हैं। दोस्तों इसी तरह हम लहसुन को पीला सरसों हम पीस लिए हैं तो इसको उठा लेते हैं प्लेट में। तो सब पीस करके तैयारी कर लिए हैं तो चूल्हा के नजदीक चलते हैं। दोस्तों झींगा मछली में हम बेसन लगाएंगे, सबसे पहले हम बेसन लगा लेते हैं, लहसुन हम थोड़ा डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, नमक हम थोड़ा डाल देते हैं, को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं तो हम कढ़ाई चूल्हा धरा लिए हैं, भात बना लिए हैं तो कढ़ाई चढ़ा देते हैं। अच्छी तरह से हम बेसन मिक्स कर लिए हैं तो अब इसको लिए हम छानने के लिए कढ़ाई चढ़ा देते हैं। हम इसमें तेल डाल देते हैं। दोस्तों तेल गरम हो गया है तो हम झींगा मछली और कचरी बना करके हम डालते हैं।
दोस्तों झींगा मछली को हम कचरी बना करके हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इसी तरह हम सब झींगा मछली को कचरी बना लेंगे। दोस्तों इसी तरह झींगा मछली को हम कचरी बना करके सारे हम बना लिए हैं। इसी तरह हम बना करके निकाल लेते हैं प्लेट में। दोस्तों रस तैयारी करने के लिए हम पहले तेल डाल देते हैं। सरसों हम फोरन में डाल देते हैं। फोरन जर गया है तो हम मसाला फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों इसमें हम टमाटर भी फ्राई कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से गल जाए। दोस्तों एक चम्मच नमक भी डाल देते हैं। दोस्तों मसाला भुजा गया है, टमाटर भी गल गया है तो रस के लिए हम पानी डाल देते हैं। दोस्तों रस तैयारी हो गया खदक करके तो इसमें हम झींगा फ्राई रख देते हैं तो कचरी बना करके। दोस्तों झींगा मछली बनके तैयार हो गया तो इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं। झींगा मछली बनके तैयार हो गया है तो खा करके देखते हैं कैसा स्वाद है। दोस्तों झींगा मछली को रेसिपी बहुत बहुत स्वादिष्ट है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी पेज की घंटी को ऑन कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।